गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू पंडित इन्वेस्ट योर यूट्यूब चैनल पंडित इन्वेस्ट में आपका चैनल है मैं धर्म भी कोलकाता से आप देख सकते देख रहे हैं पंडित इन्वेस्ट आज हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या रह सकता है कमिंग वीक वी विल डिस्कस आवर ट्रेड प्लान ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन द कमिंग वीक स्टार्टिंग फ्रॉम द नाइनटीन ऑफ जून टिल ट्वेंटी ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द टूडे इज फ्राइडे एंड वी विल डि सॉ द गुड मूव इन द निफ्टी सो फर्स्ट विल डिस्कस और डिस डेली चार्ट बात करेंगे डेली चार्ट निफ्टी का तो हमारा दो व्यू है पॉसिबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है दोनों व्यू में डिस्कस करेंगे पहला व्यू मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ या वर्डली चार्ट है निफ्टी का टावली तो चार्ट में निफ्टी जैसे मैंने आपका प्रीवियस वीडियो में बताया था कि थर्ड वेब कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ वेब इन प्रोग्रेस है तो आज इसमें ए वेब बन बन चुका था और बी अभी चल रहा है ये पालटी नंबर वन है दिस इज द फर्स्ट पालटी नंबर और इसमें जो टारगेट निकल के जो आ रहा है बी का या तो ऑलरेडी आज बी कम्प्लीट हो चुका है अठारह 18,840 में और मैक्सिमम का टारगेट 18,917 ये आपका टारगेट रहेगा मैक्सिमम। ओके सो दिस विल द टारगेट मैक्सिमम टारगेट 18,917 इज ऑलरेडी डन 18,850 थाउजेंड एट फिफ्टी इफ दस गैप ऑफ ओपनिंग ऑन मंडे इफ़ अगर गैप ऑफ ओपनिंग होता है अबव एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी दैट इज़ टूडेज हाई ऑज एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी फोर जी जी तो अट्ठारह हज़ार आठ सौ चौसठ के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो हम निफ्टी का टारगेट रहेगा अठारह हज़ार नौ सौ बीस के बीस के आसपास अप्रॉक्स ये आपका टारगेट रहेगा मंडे के लिए अगर इसके ऊपर भी ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा उन्नीस से आका लेवल रहेगा देट इज साइकोलॉजिकल लेवल और यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर अपने को दिख सकता है अगर यहाँ प्राइस अगर पहुँचा तो. तो दो पर्स पॉबिलिटी है तो एक केस प्रोबेबिलिटी नंबर पी वन है प्रोबेबिलिटी नंबर वन डेट फोर्थ वेव इज पेंडिंग एंड ए इज़ डन बी इज़ गोइंग ऑन एंड देन सी विल कम ऑन डाउन साइड टू हिट द टारगेट ऑफ एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी ऑन द डाउन साइड ओके सो एटीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू एटीन थाउजेंड फोर सिक्सटी टारगेट ऑफ द वेफ सी टू कंप्लीट द वेफो ये आपका एलियड वेब काउंटिंग है ई डब्ल्यू अगर आ, अगर आप एलियड वेब करना सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइंस कर सकते हैं नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में आप मेरे को पिंक कीजिए आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा बहुत इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आई एम गोइंग टू टीच यू इलेट वेब ट्रेडिंग सो दिस इज़ द पॉल्टी नंबर वन Uh, दूसरा पॉसिबिलिटी या अपलिटी हो सकता है ये आपका डेली चार्ट है तो अभी भी थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है अगर हम इसका अवर्ली चार्ट पे देखें तो थ्री एंड फोर कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ वेब जो चल रहा है थर्ड का ये हम मानेंगे एंडिंग डायनल में एंटर कर चुका है तो अगर एंडिंग डाइगनल अगर होता है ई जिसको बोलते हैं इलेट वेब ई तो एंडिंग डाइंगल में तीन ए बी सी करके तीन वेव होता है ए बी सी वन ए बी सी टू इसी कर इसी प्रकार थ्री फोर एंड फाइव तब ये पाँच वेब कंप्लीट होता है जैसे यहाँ में काउंट किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी ये आपका बन गया वन फिर ए बी सी ये आपका बन गया टू फिफ्थ का फिर ए बी आज जो है ये थर्ड वेव में है फिर आपका थर्ड वेव मंडे को कंप्लीट होगा गैप ऑफ ओपनिंग के साथ तो ये बनेगा सी ए बी सी कम्प्लीट हो जाएगा तो आपका फिफ्थ का थर्ड हो जाएगा जैसे आप फोर्थ है तो फिफ्थ का थर्ड बनेगा फिर ए बी सी करके आएगा तो फिफ्थ का फोर्थ बनेगा फिर ए बी सी करके आपका लास्ट फिफ्थ वेब कम्प्लीट होगा यानी कि थर्ड वेव कंप्लीट हो, हो सकता है तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी नंबर टू एक कंडीशन भी हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी ऑप्शन रखा गया है और ये भी ठीक उसी तरह चल रहा है जैसा एंडिंग डाइंगल बता रहा है तो अकॉर्डिंग टू तो एंडिंग डाइंगल अगर देखें तो उस हिसाब से आपका निफ्टी फिफ्थ वेब जो है थर्ड का ये आपका ई बन रहा है और उस हिसाब से अगर ई अगर बन रहा है तो अभी उन्नीस हज़ार सॉरी 18900 हज़ार नौ सौ के आसपास अठारह हज़ार नौ सौ चालीस के आसपास ये आपका ये थर्ड वेव कंप्लीट होगा और फिर ए बी सी आएगा जो अठारह हज़ार आठ सौ बीस का सपोर्ट रेंज बनेगा और फिर वहाँ से ए बी सी करके उन्नीस हज़ार एक सौ से लेके कर उन्नीस हज़ार दो सौ ये आपका टारगेट रहेगा थर्ड वेव का जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था निफ्टी का टारगेट सो नाइनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड इज टू कम एंड दैट इज द फिफ्थ वेव ऑफ थर्ड वेव एंड देन इन दिस लेग विल कंप्लीट एंड सी ए बी सी अगेन टू कंप्लीट इन द फोर्थ वेव एंड देन फाइनल फिफ्थ वेव इज पेंडिंग फॉर द अपसाइडी ट्वेंटी टू थाउजेंड अपसाइड लेवल So uh, this is the third wave still going on. The so third wave is So this is the probability number two, and uh, we saw the big move after second half uh, in Nifty. So uh, touching the previous high was just missed by twenty points. Previous here high was uh, previous time high was eighteen thousand eight hundred eighty-seven, and today was done eighteen thousand eight hundred sixty-four. Okay, so twenty-three points left. Uh,

बीस और चालीस के आसपास अपने को एक ओपनिंग दिखने को मिलना चाहिए उसके बाद फिर हल्का सा साइडवेज मोमेंट हो सकता है डूरिंग द डे और एक थोड़ा सा करेक्शन कंप्लीट होगा और फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे को हम एक कंप्लीट दे सकते हैं फिफ्टे में ध्यान रखिएगा कि संडे दिस संडे वी हैव द अमावस्या सो अमावस्या के दिन जनरली मार्केट अप होता है Uh, इस इस बार हम संडे को पड़ा है तो मंडे को हम गैप ओपनिंग इसका असर हम मंडे को देख पाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि मंडे को हम लाइफ टाइम हाई निफ्टी में देखने को मिलेगा या अकॉर्डिंग टू पॉलिटी नंबर टू सो मैंने आपको दोनों पॉलिटी शेयर uh, कर चुका हूँ इसमें थर्ड पॉलिटी मेरे को नज़र नहीं आ रहा जो डाउन गैप यूज गैप डाउन मिले क्योंकि अभी भी ये फोर्थ वेब पेंडिंग है फिफ्थ वेब भी पेंडिंग है निफ्टी में और uh, जैसा कि मैंने आपको वीकली चार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करेक्शन मेरे हिसाब से करेक्शन हो चुका है अगर आप वीकली चार्ट देखें सो so थर्ड का कोविड फॉल से आपका वन टू थ्री फोर फाइव ये आपका कंप्लीट हो गया वेब वन और वेब टू यहाँ माना जाएगा A, B, C, ए बी सी और ये जो चल रहा है थर्ड का वन चल रहा है और थर्ड का टू पेंडिंग है ओके सो थर्ड का वन अभी कंप्लीट नहीं हुआ थर्ड का वन जो टारगेट मेरा है उन्नीस हज़ार एक सौ मिनिमम टारगेट है और ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा और फिर ए बी सी करके वेब टू करेक्शन आएगा लाइक करीबन अठारह हज़ार पाँच सौ से अठारह हज़ार का लेवल ए होल्ड करना चाहिए और वेब टू अफी एंड लाजल ट्रेंड स्टार्ट होगा वेब थ्री के लिए सो so, ए आपको रोड मैप है आपका आने वाले वीक के लिए तो इसमें ट्रेड कैसे करना है जैसे ट्रेड आपको करना है एवोली बेसिस पे करना है जो मैंने आपको रोड मैप दिखाया अगर पॉलिटी नंबर टू अगर होता है तो आपका गैप ऑफ ओपनिंग होगा तो गैप ऑफ ओपनिंग में आप कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे हल्का सा आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है दस बीस पॉइंट का कॉल में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो मिल सकता है और फिर आपको डूरिंग द वे जेनली आपको देखा गया कि आफ्टर गैप ऑफ ओपनिंग के बाद मार्केट दो तीन घंटा साइडवेज होता है और जो भी ऑप्शन बायस रहते हैं उनको कोई मौका नहीं मिलता पैसा कमाने का तो क्योंकि ये गैप ओपनिंग होगा फिर ए बी सी करके सारा दिन ये टाइम पास करेगा फिर साइडवेज हो जाएगा और फिर नेक्स्ट डे आपको ये आप कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे गैप ओपनिंग अगर मिलता है और ए बी सी करेक्शन आता है तो यहाँ पे आप बाई करना कोशिश करें एटीन थाउजेंड आठ सौ पचास से लेके कर अट्ठारह हज़ार आठ सौ बीस ये आपका लेवल होगा ओरिशनल बाइक करने के लिए और टारगेट ऑफ उन्नीस हज़ार से लेके उन्नीस हज़ार एक सौ ये आप कर सकते हो आने वाले सप्ताह के लिए ठीक है अगर एनी देख अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी नंबर टू क्लियर अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए सिर्फ दस लाइक मिले मेरे दोस्तों प्रीवियस वीडियो में और एट्टी के ऊपर व्यूवर्स हुए हैं तो कंजूसी मत कीजिए लाइक्स के लिए अगर आप पॉवर्टी नंबर इसके ऊपर देखते हैं तो अगर अठारह हज़ार नौ सौ सत्रह ध्यान रखिएगा एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटीन इफ निफ्टी नॉट एबल टू क्रॉस दिस लेवल फर्स्ट वन आवर दैट इज़ मैक्सिमम टेन थर्टी ए एम ऑन मंडे देन इज लाइकली टू गो फॉर करेक्शंस एंड करेक्शन विल सीवियर ओनली इफ दिस एटीन थाउजेंड सिक्स फोर्टी फाइव दैट इज़ एटीन थाउजेंड सिक्स फोर्टी इज वी कैन सी एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी ऑन द डाउन साइड टेन this प्रवाइटी नंबर वन विल be एक्टिव ओके अगर अठारह हज़ार नौ सौ बीस के ऊपर ट्रेड नहीं करता है साढ़े दस तक अगर उसके नीचे अगर प्राइस आता है और प्राइस अट्ठारह हज़ार छः जो फिफ्टी सॉरी अठारह हज़ार सात सौ को ब्रेक करता है अट्ठारह हज़ार सॉरी देखें अट्ठारह हज़ार सात सौ का अगर ब्रेक करता है If Nifty break eighteen thousand seven hundred, then and remain uh, down till two p two p m on uh, Monday. Then we as can see the eighteen thousand four hundred fifty we are going to achieve in the wave C leg, and uh, this is the to complete the wave four on the downside according to probability number one. Clear? तो दोनों व्यू में बता दिया हूँ कैसे ट्रेड करना है मंडे को या सप्ताह में कैसे आपको ट्रेड करना है फ्यूचर में या ऑप्शन में ट्रेड आप कर सकते हैं चलिए आप बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर बैंक निफ्टी में भी दो केस है एक ही केस बन रहा है क्योंकि इसमें जो मैंने आपको शेयर किया था लास्ट वीडियो में तो आपका ए थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है फोर्थ वेब पेंडिंग था तो आज का जो मूव मेरे को दिख रहा है कि वेब सी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है यानि फोर्थ वेब कंप्लीटेड इन बैंक निफ्टी और फिफ्थ वेब के लिए स्टार्ट कर चुका है और इसका फर्स्ट लेग आज कंप्लीट हो चुका है फोर्टी फोर थाउजेंड में तो बैंक निफ्टी कैन गो इन वन टू थ्री फोर फिफ्थ मूव

पैंतालीस हज़ार uh, का स्तर भी देख सकते हैं। ये बैंक निफ़्टी एबल टू क्लोज और ट्रेड अब फोर्टी फोर थाउजेंड टू फिफ्टी फॉर मोर देन वन वी कैन सी दे टारगेट ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड लेवल ऑन अपसाइड इन बैंक निफ्टी ओके बैंक में देखें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है उम्मीद कर रहा हूँ जो करेक्शन हुआ था कोविड टाइम का ये आपका वेब वन बना ओके okay? और ये वेब टू यहाँ कंप्लीट हो चुका है और ये थर्ड का वन एंड टू चल रहा है थर्ड का वन ये सब वन अभी कंप्लीट नहीं हुआ या कंप्लीट हो गया है और सब का टू बा, बाकी फिर थर्ड वेब स्टार्ट हो जाएगा थर्ड का थर्ड अकॉर्डिंग टू दिस वीकली चार्ट सो अगर हम बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में देखें जैसे डेली चार्ट में मैंने आपको बताया था कि वन टू थ्री फोर फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है तो इसका अदर पॉसिबिलिटी है आपका ये वन टू तो, ये आपका थर्ड पर ये फोर्थ कंप्लीट हो गया फिर बाकी है। अगर इसका हम ये आपका होगा प्राइमरी तो यहाँ से आप इसका मैं कलर चेंज कर दूँ ये आपका हो जाएगा वेव वन यहाँ देखिए प्राइमरी टेन वेव वन है ये करेक्शन टू आया जो चल रहा है थर्ड वेव का एक्सटेंशन है तो दिस इज़ द प्राइमरी वेव वन एंड टू दिस इज थर्ड ऑफ वन टू थर्ड ऑफ थ्री थर्ड ऑफ फोर थर्ड ऑफ फाइव दिस कंप्लीटेड थर्ड वेव एंड वट वी आर विटनेस टूडे एंड ऑफ द फोर्थ वेव सो अकॉर्डिंग विद इन दिस फोर्थ वेव ए बी सी करेक्शन डन ए बी एंड सी पॉसिबिलिटी डेट इज दिस इज ए बी सी आपका ए वेब ए हो सकता है पॉसिबिलिटी इज डैट दूसरा पॉबिलिटी क्या है कि ए बी सी मिल के आपका वेब ए बनेगा फिर बी बनेगा फिर सी बनेगा ए बी आपका प्रॉबिलिटी हो सकता है

ए बी सी करके बी बनेगा और फिर एक दो तीन चार पाँच करके ये आपका सी आएगा ठीक तो तो है तो ये सी आएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड का जो टारगेट है ये आपका वहीं तक आएगा फोर्थ वेब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और फिर एक दो तीन चार पाँच करके फीडबैप शुरू होगा या फोर्थ वेब यहाँ कंप्लीट हो चुका है या हम मानेंगे फोर्थ वेब यहाँ कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी और स्टार्टिंग स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ वेब एक हम मानेंगे जब 44,500 हज़ार पाँच सौ के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हम फिर पे में एंटर कर चुके हैं ठीक है फिलहाल आप यहाँ लॉन्ग ले सकते हैं विद द स्टॉप ऑफ दिस टू डेज लो दैट इज़ फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का स्टॉप लॉस में आप लॉन्ग रह सकते हैं बैंक निफ्टी में और टारगेट ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड ले मिनिमम ओके अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पंडित इन्वेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं उसमें आपको डेली अपडेट मिल जाएगा या आप अगर फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं एफ में ओ इंडेक्स एफ निफ्टी बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में तो आप व्हाट्सएप कीजिए आपको डिटेल मिल जाएंगे आप आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे कोर्स को ओके तो ये आपको आशा करता समझ में आ गया हो क्या ट्रेड प्लान रहेगा क्या कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में अगर और डिटेल्स जानना है तो ये आपका ऑलरेडी ए बी सी कम्प्लीट हो चुका है इस हिसाब से और हम फीडबैक में एंटर कर चुके हैं और वक्त बताएगा फीडबैक में एंटर किए हैं कि नहीं किए हैं तो उस चालीस या पाँच सौ के ऊपर फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड अबव ओनली वी एबल टू कंफर्म दैट वी आर एंटर इन द फीडबैक इन द बैंक निफ्टी एंड मिनिमम टारगेट फोर्टी फाइव थाउजेंड ओके सो For any stock, uh, we'll, we'll go for the reliance. Let's see the reliance क्या Because reliance already given a breakout. So relance uh, in field wave i think so started so started or uh, yes so twenty eight thousand going to hit in reliance if uh, price move above There's a resistance point here, 2680. If Reliance, अभी uh, 2577. That is 100 points from there. If able to close above 2680, then in Reliance we are going to hit uh, previous high, and the target will be 3000 maybe on the upside in Reliance. Only if close above 2680. If Reliance able to close uh, go moves 100 points, then definitely Nifty will moves up. We call it heavy index and have better in uh, Nifty and Reliance. So if Reliance move, Nifty will move. Okay. So with the stop of 2450, uh, you can go long in Reliance. Sorry. Okay. So have a happy training in coming week. We will see you soon. We don't forget to like this channel. Those who are viewing this those viewers viewing first times must can please subscribe to this channel and please press the bell notification so that you can get every update in your email box. Thank you for watching it.